सैमसंग ने अपना नया और लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन गैलेक्सी A8 प्लस लॉन्च कर दिया है। ये फ़ोन का 2018 का लेटेस्ट वर्जन है और ये आपको अमेज़ॉन पर एक्सक्लूसिवली मिलेगा 20 जनवरी से। मैं अभी कनवाल गिजबॉर्ड से और चलिए अब देखते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस और क्या कुछ खास आपको इस फ़ोन में मिलता है। तो ये है सैमसंग का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A8 प्लस मिड रेंज फ़ोन है। फ़ोन में यहाँ आपको दी गई है इन्फिनिटी डिस्प्ले जो कि आपने सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जो कि साल 2017 में लॉन्च हुए थे गैलेक्सी S8 और S8 प्लस में भी देखी थी। यहाँ पर ये जो स्क्रीन आपको दी गई है ये डिस्प्ले आपको मिलता है 6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले। इसके साथ ही आपको बता दें इस फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया गया है वो सैमसंग एक्जीनोस 7885 ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पर आपको दिया गया है। फ़ोन की रैम 6GB की है और इसकी इंटरनल स्टोरेज 64GB की दी गई है। वहीं माइक्रो SD कार्ड की मदद से आप इसकी इंटरनल स्टोरेज को 256GB तक और बढ़ा सकते हैं। वहीं एक और काम जो सैमसंग ने यहाँ पर किया है वो है ट्रेंडिंग फीचर, यानी कि फ्रंट कैमरा की डिमांड को देखते हुए यहाँ पर कंपनी ने अपने फ़ोन पर डुअल फ्रंट कैमरा दिया है। तो आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर यहाँ फ्रंट कैमरा में मिलता है। लाइव फोकस इनेबल्ड ये कैमरा है और बोके मोड यानी कि आपको यहाँ पर मिलता है जो कि आप अपने सेल्फ पोर्ट्रेट जो आप कैप्चर करेंगे इस फ़ोन से वो आप बोके मोड के साथ आसानी से और भी अच्छे और बेहतर कर सकते हैं। स्मार्टफोन में जो रियर कैमरा दिया गया है ये भी आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। जो स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा है इसमें कहा जा रहा है कि आप दोनों सेंसर के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं ताकि जो भी आप मोड में खींचना चाहें या जिस भी सेंसर का इस्तेमाल आप फ़ोन में फ़ोटो कैप्चर करना चाहें वो आप कर सकें। वहीं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट नज़र आता है क्योंकि ये फ़ोन आपको मिलेगा एंड्रॉयड 7.1 नूगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। हालांकि कंपनी का कहना है कि एंड्रॉयड 8.0 ओरियो भी यहाँ पर जल्द ही मिल जाएगा। वहीं फ़ोन की बैटरी की बात करें तो 3500 mAh की यहाँ पर बैटरी दी गई है जो कि आपको अच्छा खासा बैकअप दे सकती है। टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही बता दें कि ये जो फ़ोन है वो IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये स्मार्टफोन वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है। वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि रियर साइड में आपको मिलेगा। और इसके साथ बता दें कि सैमसंग का गियर VR जो है वो भी इस फ़ोन के साथ कंपैटिबल है। अब बात करते हैं फ़ोन की कीमत की। तो बता दें कि सैमसंग ने अपने इस लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस को भारत में 32,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है, जिसे आप एक्सक्लूसिवली अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। फ़ोन की सेल अमेज़ॉन पर शुरू होगी 20 जनवरी से। तो ये था सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि है गैलेक्सी A8 प्लस। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख भेजें कि आपको फ़ोन कैसा लगा, साथ ही अपने सुझाव भी हमें ज़रूर लिख भेजें। सब्सक्राइब करें गिजबॉर्ड का YouTube चैनल।